हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू ऑल आई होप यू ऑल आर गुड सो लेट्स स्टार्ट अवर टूडेज टॉपिक आज का हमारा टॉपिक है सम प्लांट फाइबर्स आज हम प्लांट फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे फर्स्ट इज कॉटन सबसे पहले हम कॉटन के बारे में पढ़ेंगे हैव यू एवर मेड विक्स फॉर ऑयल लैंप्स वाट डू यू यूज़ फॉर मेकिंग दीज विक्स विक्स मतलब दिए के लिए बत्ती जो हम हमारे घर के दियो में जो बत्ती लगाते हैं कॉटन की उसे विक्स कहते हैं क्या आपने वो कभी बनाई है दियों के लिए और अगर बनाई है तो उसमें क्या यूज़ करते हो आप द कॉटन वूल इज़ आल्सो यूज फॉर फिलिंग मैट्रेसेस क्ल्स और पिलोज मतलब जो कॉटन होती है वो बत्ती बत्तियाँ बनाने के साथ साथ और किस किस्म काम आती फिलिंग मैट्रेसेस गद्दे भरने में रजाइयाँ भरने में और तकिए भरने में टेक सम कॉटन वूल पुल इट अपार्ट एंड इट्स एजेस वट डू यू ऑब्जर्व आप एक कॉटन वूल लीजिए और उसको पुलिट अपार्ट एंड लुक एट इट्स एजेस उसको बाहर खींचिए उसको तोड़िए क्या क्या देखेंगे आप उनके एजेस में उनके किनारे में आपको क्या दिखेगा न स्मॉल थिन स्टैंड्स डेट यू सी आर मेड अप ऑफ कॉटन फाइबर जो स्मॉल छोटे और पतले पतले जो आपको स्टैंड्स धागे से दिखेंगे बिल्कुल पतले पतले वो किसके बने हुए कॉटन फाइबर्स के बने हुए वेयर डज दिस कॉटन वूल कम फ्रॉम ये कॉटन वूल वहाँ से आते हैं इट इज़ ग्रोन इन द फील्ड्स ये खेत में उग, उगाए जाते हैं कॉटन प्लांट्स आर यूजली ग्रोन एट प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट कॉटन प्लांट्स कहाँ उगाए जाते हैं ज़्यादातर जहाँ पे ब्लैक सॉइल होती है और वार्म क्लाइमेट होता मतलब गर्म क्लाइमेट होता है कैन यू नेम सम स्टेट्स ऑफ अवर कंट्री वेयर कॉटन इज ग्रोन क्या कॉटन कहाँ उगती है क्या हमें पता है द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट कॉटन प्लांट के फ्रूट्स को क्या कहते हैं कॉटन बॉल्स कहते हैं द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट आर अबाउट द साइज ऑफ अ लेमन जो कॉटन प्लांट के फ्रूट होते हैं वो लगभग लेमन के नींबू के साइज़ के बराबर होते हैं आफ्टर मैच्योरिंग द बॉल्स बस्ट ओपन एंड द सीड्स कवर्ड विद कॉटन फाइबर्स कैन बी सीन जब वो मैच्योर हो जाते फ्रूट्स तब तो वो बॉल्स अपने आप बस्ट हो जाती फूट जाती है और उनके जो सीट्स होते हैं जो कॉटन फाइबर से कवर थे वो हमें हम देख सकते होते हैं। हैव यू एवर सीन अ कॉटन फील्ड डेट इज़ रेडी फॉर पिकिंग क्या आपने कभी कॉटन के खेत देखे हैं जिसमें कि कॉटन जस्ट मैच्योर हो गई है, बस उसको वो लेने के लिए होती है इट लुक्स लाइक ए फील्ड कवर्ड विथ स्नो कॉटन का फील्ड कैसे दिखता है बिल्कुल बर्फ के जैसे कि वो बर्फ से ढका हुआ देखिए फिगर थ्री पॉइंट सिक्स में दिखा रखा है फील्ड ऑफ कॉटन प्लांट्स ये देखिए ये फील्ड है कॉटन प्लांट्स का जो एकदम ऐसा लग रहा है जैसे इस पर बर्फ की चादर हो ये हमारा कॉटन फील्ड है नाउ फ्रॉम दीज बॉल्स कॉटन इज यूजअली पिक्ड बाई हैंड्स हैंड जो हमने बॉल्स देखी उससे क्या होता है वो यूजअली हैंड से लेते हैं मतलब हाथों से उनको ले लेते हैं जो हमने अभी फोटो में देखे कॉटन बॉल्स फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय कंबाइनिंग फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय कंबाइनिंग दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग ऑफ कॉटन मतलब कि फाइबर्स को उनके सीट्स से अलग करना क्या कहलाता है गिनिंग ऑफ कॉटन फाइबर्स को जब हम लेते हैं उनके सीट से अलग कर देते हैं इस प्रोसेस को गिनिंग कहते हैं गिनिंग वॉज ट्रेडिशनली डन बाय हैंड गिनिंग वैसे तो पहले हाथों से किया जाता था देखिए फिगर थ्री पॉइंट सेवन में दिखा रखा है किस तरह से कॉटन की गिनिंग करते थे इस तरह से कॉटन की गिनिंग कर, करी जाती थी बट दीज डेज मशीन्स आर आल्सो यूज फॉर गिनिंग लेकिन आजकल क्या हो गया है? ये गिनिंग का प्रोसेस मशीन से होने लगा है तो ये था हमारा कॉटन के बारे में अब हम पढ़ेंगे जूट के बारे में जूट फाइबर इज ऑप्टेंड फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट देखिए फिगर थ्री पॉइंट एट में क्या दे रखा है जूट फाइबर इज ऑप्टेंड फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। जूट फाइबर कहाँ से मिलता है हमको जूट प्लांट के इस्टेम से मिलता है देखिए फिगर थ्री पॉइंट एट में क्या दिखा रखा है ये है हमारा जूट प्लांट इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन ये कब कल्टिवेट किया जाता है रेनी सीजन में इन इंडिया जूट इज़ मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल बिहार एंड असम इंडिया में जू जूट मेनली कहाँ ग्रोन किया जाता है वेस्ट बंगाल में बिहार में और असम में द जूट प्लांट इज़ नॉर्मली हारवेस्टेड वैन इट इज़ एट फ्लारिंग स्टेज जूट प्लांट नॉर्मली कब हारवेस्ट किया जाता है जब ये फ्लारिंग स्टेज में होता है मतलब जब इसमें फूल आने लगते हैं द स्टेम्स ऑफ द हारवेस्टेड प्लांट्स आर इमस्ड इन वाटर फॉर अ फ्यू डेज मतलब जब हम इसकी स्टेम्स को हार्वेस्ट करते हैं तो हार्वेस्ट करने के बाद क्या करते हैं उनको कुछ दिन के लिए पानी में भिगो देते हैं द स्टेम्स रॉट एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड फिर वो क्या होती है जब हम उसको कुछ दिन पानी में भिगोते हैं तो वो स्टेम्स सड़ जाती है पानी में और उनमें से फाइबर्स हम हाथों से अलग कर लेते हैं टू मेक फैब्रिक्स ऑल दीज फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इन टू और इनमें से फैब्रिक्स बनाने के लिए सबसे पहले हम उन फाइबर्स का क्या करते हैं सबसे पहले उनको यान्स में कन्वर्ट करते हैं, मतलब धागों में कन्वर्ट करते हैं फिर हम फाइबर बनाते हैं ओके okay, स्टूडेंट्स तो ये था हमारा आज का टॉपिक सम प्लांट फाइबर्स जिनमें हमने पढ़ा कॉटन के बारे में और जूट के बारे में और कल हम पढ़ेंगे स्पिनिंग कॉटन यान ओके okay, तो ये था हमारा आज का टॉपिक इसे रीड आउट करना अच्छे से और इसको रिवाइज करना ओके okay? हम कल मिलते हैं कल कंटिन्यू करते हैं ओके स्टूडेंट्स थैंक यू